नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये इस वीडियो सीरीज का मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 7 है। इसके पहले मेरे कुछ वीडियोस आ चुके हैं जहाँ पर मैंने एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में बात करी है। एलिमेंट्स और मिक्सचर मैंने पूरा कवर कर दिया था। जो हमारे कंपाउंड चल रहा है वीडियो में, इसकी मैं प्रॉपर्टीज पढ़ रहा था पिछले वीडियोज में। प्रॉपर्टीज मैंने क्या पढ़ी थी एक बार वो देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं उस पर थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज मैंने आपको ये बताई थी, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट ऑफ फिजिकल मेथड्स। यानी कि अगर मैंने एक्स और वाई लेके एक्स वाई बना दिया, अगर मैंने एक्स प्लस टू वाई लेकर मैंने अगर एक्स वाई टू बना दिया, तो कोई भी दुनिया जमाने की फिजिकल प्रोसेस मैं लगा दूँ, उससे मेरे को दोबारा ये नहीं मिलेगा। मेरे को अपने केमिकल मीन से ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहला इसका था। उसके बाद ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर मैं x और y लेकर एक्स वाई बना रहा हूँ, तो मेरे को एक्स वाई की प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि x और y से मिले। कहने का मतलब ये है, मेरा C प्लस ओ टू से मेरा सी ओ टू बन रहा है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन से मैच होएं या फिर ऑक्सीजन से मैच होएं या फिर दोनों से कुछ ना कुछ कम डिफरेंस से या कुछ मतलब जोड़ भाग लगा के कुछ ना कुछ मैच होएं। ज़रूरी नहीं है ऐसा, या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है, या तो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी जो इन सब के रिलेटेड ना हो या इसकी फैमिली के रिलेटेड ना हो, तो उनसे हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसे ही फिजिक्स काम करती है, इसकी फिजिक्स ऐसे ही काम करती है, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उनको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। कंपाउंड्स आर होमोजीनियस सब्सटेंस। एक कंपाउंड होता है ना, होमोजीनियस होता है। कभी आपने कोई भी कंपाउंड ऐसा आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में रखा हुआ देखा होगा, तो आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि नीचे बहुत ज़्यादा कहीं गाढ़ा हो गया या बीच में आपको कोई अलग अलग पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपने HCl के आपने मिक्सचर जरूर देखेंगे, वो घूमेंगे अपने केमिस्ट्री लैब में। तो जब भी आप मिक्सचर देखते हैं, कोई सा भी उठा लीजिएगा केमिस्ट्री लैब का, सारे कंपाउंड्स ही होते हैं वहाँ पर, तो जो भी आप देखेंगे सब अपने होमोजीनियस मिक्सचर के फॉर्मेट में सब रखे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कहीं कुछ गाढ़ा है, कहीं कुछ पतला है, बिल्कुल मतलब अजीब सा हमें कीचड़ जैसा कुछ दिख रहा है, या तो कहीं बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा हमारा लाइटर हो गया, ऐसा कुछ हमको देखने के लिए होता है। मास डिफरेंस ये सब चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये क्या बताता है, होमोजीनियस करेक्टर बताता है कंपाउंड का। यहाँ पर बोला जाता है कि हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इररिस्पेक्टिव कि हम उसके क्या मोल्स ले रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उन सब के मामले के हटा के। केमिकल फॉर्मूले की बात निकल कर आती है कि अब हमारे पास कंपाउंड तो मिल गया, अब मेरे को केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं, तो वो कैसे बनाऊंगा मैं। तो वो यहाँ पढ़ने से पहले मेरी आप एक बात सुन लीजिए, कैसे मैं करता हूँ उन सब चीज़ों के लिए और आपको क्या हेल्प मिल सकती है इससे। जैसे कि ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास H2SO4 एक कंपाउंड है मेरे को बनाने हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता कि H2SO4 बनेगा कैसे, ये H2SO4 आएगा भी कि नहीं आएगा। मतलब ये तो मेरे को पता है तो पता है, अगर मेरे को नहीं पता होता तो कैसे होता। मेरे को बस ये पता है कि H और SO4 कंबाइन कर रहे हैं आपस में। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है SO4 की वैलेंसी नेगेटिव होती है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -1 होती है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या H की वैलेंसी कितनी, SO4 2- और ये होती है H पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही लिखा ये चीज़, तो अब मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। जो माइनस का साइन होता है बस डिनोट करने के लिए लगाया जाता है, हमको कुछ इसका मीनिंग नहीं होता है कि हम कंपाउंड के अंदर कहीं माइनस लिखेंगे या क्या लिखेंगे। तो यहाँ हमको H2SO4 देखने को मिल गया। अब यहाँ H2SO बना कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो H2 आएगा, और यहाँ आता है हमेशा वाला SO4 कंबाइन होगा, SO4 2-। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताने के लिए दिखाई थी, तो आप इसको अब ये मत कहना कि सर ऊपर भी लगा हुआ है कुछ, ये मैंने आपको बताने के लिए लगाया था, वो मैंने नीचे दोबारा लिख दिया था आपके लिए। तो ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज़ हो गई। अब SO4 1+ से जब मल्टीप्लाई होगा तो SO4 ही रहेगा, तो यहीं से हमारा H2SO4 निकल कर आता है। ये एक मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है, इससे बड़े जैसे K2Cr2O7 थोड़ा सा बड़ा है, K2Cr2O7, तो CrO7 और यहाँ पर K2, इसकी पावर होती है -2, इस K की होती है +1, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारा बन जाएगा। ऐसे करके हम बना के चलते हैं सर। इसका अपना एक फिक्स कंपोजिशन होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम इस बारे में। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन
ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द। यहाँ बेसिकली कहने की बात कर रहा है कि केमिकल फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, कंपोजिशन डिनोट करता है मॉलिक्यूल्स का। ये हमें एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मेरे को क्या पता, अगर मैं ये लिख दूँ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसको कोई डिमार्केशन ना दूँ तो मेरे को क्या पता क्या कार्बन क्या ऑक्साइड। तो इसीलिए मैंने इसको अपनी एक पूरी लैंग्वेज बना के रखी है। मैंने क्या पूरी केमिस्ट्री ने पूरी एक लैंग्वेज बना के रखी है कि मैं किसी कंपाउंड को कैसे शो करूंगा। अगर कहीं पे मोनोऑक्साइड आता है तो ओ आएगा, कहीं पे डाइऑक्साइड आएगा ट्राईऑक्साइड आएगा तो क्या चीज़ निकल कर आएगी, तो वो सब यहाँ पर बातें चलती हैं हमारी। ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना नीचे, वही पूरा मेथड था इसको लिखने का। यहाँ पे आपको एक्स और वाई वैलेंसीज की बात आती है। वैलेंसीज होती क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को वैलेंसीज नहीं पता होगा तो वो इन समझ में नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या। तो वैलेंसी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जी हाँ वैलेंसीज हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किस सेंस में बात होती है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से। जैसे कि मैं आपसे कहूँ क्या सी कार्बन, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन, इसका नंबर हो गया 6। अब इसको जब हम क्लासिफाई करेंगे तो अगर हम बेसिक अपने कॉन्सेप्ट से करें तो 2 या 4 में क्लासिफाई होगा, 2 4 8 18 ऐसे करके, 2 4 18 ऐसे करके हम मान के चलते हैं इसको। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसा लिखा। अब जब मैंने इसको लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी मतलब ये है कि इसकी 4 वैलेंसी होगी मेरे पास, तभी मेरा CH4 नाम का एक कंपाउंड बनता है। कि मेरे 4 हाइड्रोजन जिसकी एक एक आप उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो सबके एक एक जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, तो वो उसके कार्बन की एक एक सेल से कंबाइन हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा हमारे पास कुछ। वैसे इन रियलिटी बनता तो ऐसा है लेकिन हम लिखते ऐसे हैं इसको। अभी आप देखें यहाँ पर क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस बता के आपको। आप ये देखें जो एक बॉन्ड होता है ना, जो एक लाइन के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये बॉन्ड बेसिकली बता क्या रहा होता है। मतलब मुझे एक लाइन पूरी पूरी ड्रॉ करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो जब भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि इसके एक एंड पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एंड पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एंड पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एंड पर एक इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्डने के लिए हमेशा हमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इनका आपस में मतलब ये मिलेंगे तभी जाकर एक सिंगल बॉन्ड बना पाएंगे। तो ये डिनोट करता है यानी कि एक यहाँ पर कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है और दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ आती है, क्रिस क्रॉस अप्लाई करा हम लोगों ने, इसकी ईच रेडिकल आइडेंटिफिकेशन लिखा, यानी कि हाइड्रोजन को एच पता होता तो ये लिखते हैं हम, एसिडिक लेफ्ट ये सब चीज़ें हैं बताने वाली, कॉम्प्लेक्स का अलग होता है, राइट हैंड नेचर क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको बस ये बताया कि अगर आपको इसके पहले तो आपको इसके छोटे छोटे कंपोनेंट पता होने चाहिए कैसे हैं। मुझे पता था एच है और SO4 है। अब मेरे को SO4 का पता है क्या होता है, 2- है, एच का पता है प्लस है, +1 है। तो अब मैं सीधे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर लिख दूंगा, कोई मेरे को हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये भी यही कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इन लोगों ने CaCl2O2 लेके रखा है, इन लोगों ने ऊपर रखा है मैंने नीचे लिख दिया, तो सेम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर CA का +2 होता है हमेशा और इसका यहाँ पर +1 होता है। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, तो CaCl2O2 का होल ट्वाइस हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा कंपाउंड, जो कि होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होती हैं चीज़ें हमारी। इसके बाद आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। कभी कभी हमारे पास क्या करता है, अभी तो आपको देगा नहीं कि देगा, मेरे को नहीं पता हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेरे पास जो मैं पढ़ता था आगे की स्टडीज़ में वहाँ पर मेरे को क्या बोलते थे, और ट्वेल्थ में भी आपके होगा ये चीज़ कि आपको क्वेश्चन देगा कि मेरे पास 15% ऑक्सीजन है, मेरे पास है 60% हाइड्रोजन है, मेरे पास इतने परसेंट कार्बन है बाकी का बचा हुआ। तो फिर मेरे से ये पूछ लिया 60 और 75 25% मेरे पास कार्बन है। तो अब मेरे से ये पूछेगा कि इनसे बनने वाला एक, पहले तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ जो उससे बनेगा, उसके बाद मेरे को इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो ऐसे करके इसे सिंपली बना के चलते हैं। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, अगर मैं अपनी आसान भाषा में बताऊँ तो एम्पिरिकल फार्मूला एक आसान फार्मूला होता है और सबसे ज़्यादा सिंपल फार्मूला होता है। अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ मैथमेटिक्स के टर्म्स में, तो हम ऐसे लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आंसर आया 64/8, तो मैं 64/8 लिखूंगा कि 8 लिखूंगा,
मेरे पास मैं 8 8 64 होता है, मैं काट के इसको 8 लिख सकता हूँ ना, तो 8 लिखूंगा मैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ 64 इंटू फलाना ढिमका इंटू फलाना ढिमका, और मिलकर मिल रहा मेरे को आके एंड में 80, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा, मेरे को मिल रहा है एंड में 80, लेकिन मैं मिल रहा हूँ लिख रहा हूँ पूरा से मिला जुला के अजीब सा इंटू कुछ कर रहा हूँ डिवाइड कुछ कर रहा हूँ, तो उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बेसिक है वो मेरा यही रहेगा 8 आंसर। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, जब भी मैं बात करता हूँ फ्रक्टोज की ग्लूकोज की, फ्रक्टोज है C6H12O6, एक होता है C11H22O11, तो ऐसे करके हमारी चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, C H2O, इसी में आपका मल्टीप्लाई कर दो किसका 6 का, तो C6H12O6। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट अपने कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे। तो जो मेरा बेसिक जो होता है ना, बेसिक जो मेरा फॉर्मूला होता है उसको हम यही लेके चलते हैं। अगर मैं बोलूँ इसकी भाषा में तो एम्पिरिकल फार्मूला इज अ सिंपल फार्मूला कंपाउंड दैट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम इन वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसका जो होल नंबर्स के फॉर्मेट में, ये भी ज़रूरी है आपका कि होल नंबर्स के फॉर्मेट में आपके पास नंबर होना चाहिए आपका, कि अगर मैं पॉइंट में लिख दूँ तो वो सब मेरा मायने नहीं रखता, वो चीज़ काम में नहीं आएगी और मेरी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इसको ऐसे करके हम लिख के चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इसके आगे जो चीज़ें इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। मैं देख लेता हूँ आपको दिए हैं कि नहीं दिए परसेंटेज वाले, वैसे जहाँ तक तो नहीं दिए हैं, नहीं दिए आपके लिए, आपके लिए थोड़ा सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस मामले में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ बता दूँ कि हम लोगों का एक यानी पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का एक ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, पेड कोर्स आ चुका है आपके लिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है और आपको सीरियसली पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, हमसे मतलब टीचरों से वन टू वन इंटरेक्ट करना है, तो आप प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन करिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स से ज्वाइन करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि आपका फ़ायदा है, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम होता है ना साल में एक बार होता है, जब आपका होगा नहीं ना तो आपके दूसरे साल तक जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसके बीच में आपकी फैमिली आप पे ये प्रेशर बनाएगी कि करने से पहले इससे अच्छा कोई और साथ में कोर्स डाल दो, और जहाँ तुमने कोई कोर्स डाला उसकी किताबें लेके आया और पढ़ना चालू किया तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा पॉलिटेक्निक नाम का कोई चीज़ हुआ करती थी, तुम भूल ही जाओगे उसके मामले में और तुम उसकी तैयारी भी नहीं करोगे। तुम यही सोचोगे कि यार इसमें तो 10th 12th का आता है, 10th 11th का आता है, 10th के पहले का आता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इतना तो पढ़ ही रखा मैंने, एंड टाइम पर पढ़ लूँगा फिर मेरा हो जाएगा। और यही जो चीज़ मेंटालिटी होती है यही चीज़ बर्बाद कर देती है अपन को, तो यही चीज़ हमको नहीं करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है इसके लिए और देना है। तो इसी के लिए आपके लिए कोर्स है बढ़िया सा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।